धृतराष्ट्र थे गांधारी के सेकंड हस्बैंड। सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, गांधार राज की राजकन्या थी गांधारी। फिर भी कभी उस समय किसी ने भी द्रौपदी को छोड़कर किसी और की एक से अधिक शादी की बात नहीं सुनी होगी, और वही गांधारी राज परिवार से थी। फिर कैसे द्रौपदी की एक से अधिक विवाह के कारण कितनी जगह उन्हें अपमान सहना पड़ा। अब आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, पर हम लोगों में अधिकतर लोगों को हिंदू रीति रिवाज और उसके पीछे के कारण पता ही नहीं है। और कुछ रिवाज तो ऐसे हैं जिनका हम पालन भी नहीं कर पाते। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गांधारी के बारे में और उनके शादी के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिए। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, कोई भी राजकुमारी उनसे विवाह करना नहीं चाहेगी। तब भीष्म पितामह चलते हैं गांधार राज्य में। हस्तिनापुर के मुताबिक गांधार राज काफ़ी कमज़ोर था। तब भीष्म ने वहाँ पे कहा कि उनकी बात ना मानी गई तो गांधारी को तो लेकर जाएंगे ही, पर उसके साथ साथ गांधार को भी पूरा नष्ट कर देंगे। तब गांधार राज्य के राज्यसभा में राजा ने बचाने के लिए राजनीति के तहत गांधारी को अंधकार में ढकेल दिया। जो राजकुमारी अंधेरे से डरती थी, जिसके कक्ष में हजारों से अधिक दिए जलते थे, उसके नसीब में जीवन साथी ऐसा जो एक अंधा है। और आश्चर्य है कि राजकन्या दूसरों के हित के कारण परिस्थिति को हाथों में ले अपने आप को भाग्य के हाथों में सौंप देती है। तो क्या अपनों के द्वारा किए गए गलती के कारण अभिमान करते हुए गांधारी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली थी, जिसको ग्रंथ में पति के सम्मान के रूप में दिखाया गया। अब असलियत क्या है ये कोई नहीं कह सकता। अब भीष्म पितामह भी ऐसे ही गांधार नहीं गए थे। गांधारी के गुण और उनके ऊपर दैविक कृपा थी। उनकी कुंडली में लिखा था कि वो 100 शक्तिशाली पुत्रों की माँ होगी, और कहीं पर यह बोला जाता है कि ये वरदान उनको किसी ऋषि ने दिया था। तब भीष्म अपने वंश की रक्षा के लिए गांधार की तरफ गए। फिर गांधारी के साथ भीष्म पहुँचे हस्तिनापुर। काफ़ी भव्य तरीके से विवाह समारोह संपूर्ण हुआ, और अपने पत्नी की आंखों पर पट्टी की बात से धृतराष्ट्र बहुत खुश हुआ। ऊपर से इतनी प्रभाव और सुस्त्री पाकर खुशहाल था धृतराष्ट्र का वैवाहिक जीवन। अब इतने खुशहाल जीवन में भी खराबी आती ही है। जैसे गुलाब कितना ही सुंदर क्यों ना हो, बावजूद इसके कांटे रहते ही हैं। ठीक वैसे ही एक कांटा था गांधारी के कुंडली में। एक दोष था गांधारी के कुंडली में, वो था कि दो विवाह का जोग, जिसमें पहला स्वामी यानी पहला पति की मृत्यु निश्चित थी, और दूसरे विवाह में जो पति होगा वह लंबी आयु का होगा। और वही ये निश्चित था कि गांधारी का दूसरा विवाह होगा ही, क्योंकि उनकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग भी था। गांधारी के कुंडली में इस दोष को देखते हुए गांधार के राज्य में कुल पुरोहित के निर्देश के अनुसार बाल्यकाल में ही गांधारी की एक बकरे के साथ विवाह करवाया जाता है, और विवाह के 7 दिन बाद उस बकरे की बलि दी जाती है, और उसके बाद धृतराष्ट्र के साथ शादी होती है। गांधारी के पहले विवाह का किसी प्रकार से हस्तिनापुर ना पहुँचे, इसके लिए काफ़ी सतर्कता अपनाई थी गांधार राजा ने। उन्होंने गांधारी को भी मना कर दिया था कि वो भी गलती से ना बताए इसके बारे में, पर सच कभी छुपता नहीं। जैसे बादल कितने भी घने हो सूर्य को ढक नहीं सकता, वैसे ही झूठ कितने भी प्रभाव से बोला जाए सच को छिपा नहीं सकता। धृतराष्ट्र को ये बात अपने गुप्तचर द्वारा पता चल जाता है। माना जाता है गांधार के पड़ोसी
शत्रुओं के द्वारा ही ये खबर पहुंचाई गई थी। ये एक कूटनीति चाल थी जिससे गांधार को हस्तिनापुर के आंखों में नीचा किया जाए और उसे हस्तिनापुर से अलग कर दिया जाए ताकि गांधार फिर से एक कमजोर राज्य बन जाए। अब ये खबर सुनते ही धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो जाता है और अपने गुस्से को नेत्रहीन आंखों के पीछे छिपाते हुए भीष्म पितामह के पास जाता है। धृतराष्ट्र बोलता है, तात्श्री, ये कैसा विवाह है? गांधारी का दूसरा स्वामी हूँ मैं इस चीज को मान भी लेता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, भाग्य तो शुरू से ही मेरे साथ खेल रहा है, नहीं तो एक नेत्रहीन को इतनी सुंदर स्त्री कैसे हो सकती है? अंत तक मुझे एक विधवा से विवाह करना पड़ा, मैं मान लेता मेरी वास्तविकता को, परंतु क्या हस्तिनापुर के ऐसे दिन आ गए हैं? मुझसे छल किया ठीक है, पर हस्तिनापुर के साथ ऐसा छल, इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए, नहीं तो भविष्य में कभी भी कोई हस्तिनापुर के साथ छल कर सकता है, इसलिए दंड अवश्य होना चाहिए। भीष्म का क्षत्रिय रक्त उबल पड़ा, पर वह धृतराष्ट्र को समझाते हैं, अतीत में जो हुआ वो हुआ, पर आज तुम और गांधारी एक बंधन में बंधे हो, तो अब इन सब को मत उठाओ, उसको समझा दो कि तुम उसके पहले विवाह के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ चीज़ें छुपी रहे इसी में भलाई होती है, इस बंधन को बनाए रखो, और कुछ जगहों पर अजीब रीति रिवाज होते हैं और शायद गांधार उन्हें मानता है, और शादी हुई भी तो किससे, एक बकरे से, और इसमें विधवा का क्या है? तुम इन सब में कष्ट मत पाओ, अब वैवाहिक जीवन का आनंद लो। परंतु धृतराष्ट्र इतना सरल नहीं था, गुस्से के बस में उन्होंने गांधार से ससुर और गांधारी के भाइयों को निमंत्रण दिया और हस्तिनापुर आने के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें हस्तिनापुर के कारागृह में डाल दिया। कारण बताया राज विद्रोह, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करना। भीष्म तब युद्ध पे थे और गांधारी बार बार धृतराष्ट्र से प्रार्थना कर रही थी पितृकुल की मुक्ति के लिए। धृतराष्ट्र काफ़ी क्रूर और नीच मानसिकता वाला व्यक्ति था। वह रोज रात को अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर सहवास करता था। पहले तो गांधारी समझ नहीं पा रही थी, पर कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र बोला, ये तुम्हारा बकरा नहीं, कुरु वंश का राजा धृतराष्ट्र है, विधवा के साथ शादी करी है, उसकी इच्छा अनिच्छा का क्या मोल। उस दिन समझ गई गांधारी कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। उस दिन समझी गांधारी कि उसका पति सिर्फ आंखों से ही नहीं अंतर मन से भी अंधा है। इस क्रूरता में ही गांधारी गर्भवती होती है। ये बच्चा प्रेम से नहीं बल्कि बदले और गुस्से की भावना से उत्पन्न थे। तभी दुर्योधन, दुशासन और बाकी सब कौरव इतने उग्र और राक्षसीय मानसिकता के थे। वास्तव में प्रेम से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं वह पवित्र, सात्विक, पुरुषार्थ और न्यायपूर्ण होते हैं, परंतु गांधारी के साथ मैरिटल रेप हुआ था, इस कारण बच्चे ऐसे उग्र और राक्षस प्रवृत्ति के थे। प्रेम से उत्पन्न हर चीज सुगंधित और सुंदर होता है। पत्नी जीवन संगनी होती है, ना कि सैया संगनी। पुत्रों के होने की खुशी में गांधार राज परिवार को मुक्त कर दिया गया, परंतु तब तक शकुनी ही बचे थे, बाकी सब मर गए थे। बस यही से शुरू होती है महाभारत की वो रचना। पिता को तड़पते देखना, एक एक भाइयों को मरते देखना, पिता को दिया वादा शकुनी को और निष्ठुर बना देता है। यही सही बना था वो सबसे खतरनाक हथियार जिसने कुरुक्षेत्र की रचना करी थी, वो था शकुनी के द्वारा खेले गए पासे। वास्तव में हम महाभारत में जिसको विलन मानते हैं वो विलन था ही नहीं, सबसे बड़ा विलन था सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र, जिसने शुरू से अंत तक सिर्फ क्रूरता ही की। अपने बेटे को राजगद्दी देने की जिद हो
या अपने ससुराल वंश को नष्ट करना, हर एक जगह पे गलत निर्णय सिर्फ धृतराष्ट्र ने ही लिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।